हेलो फ्रेंड्स, मैं सर शब्बीर हुसैन एंड यू आर वाचिंग फिजियो टॉक। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पूटम एनालिसिस के बारे में। जब भी किसी पेशेंट के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या लंग्स के अंदर इन्फेक्शन होता है तो वो पेशेंट का जो सिक्रीशन है वो स्पिट आउट करता है या एक्सपेक्टोरेट करता है। तो जब वो पेशेंट स्पिट आउट करता है तो जो चीज़ हमें देखने को मिलती है उसको हम बोलते हैं स्पूटम। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पूटम कितने तरीके के होते हैं। दोस्तों, स्पूटम जनरली 5 तरीके का होता है। पहला होता है म्यूकॉइड, दूसरा होता है म्यूकोपुरुलेंट, तीसरा होता है पुरुलेंट, चौथा होता है फ्रॉथी और पाँचवा होता है हीमोप्टेसिस, जिसको हम ब्लड टिंज सिक्रीशंस के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कब आपको म्यूकॉइड सिक्रीशन देखने को मिलेगा, किस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, साथ ही म्यूकोपुरुलेंट कौन सी कंडीशन में आपको देखने को मिलता है, पुरुलेंट सिक्रीशन कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है, फ्रॉथी सिक्रीशन आपको कौन सी कंडीशन में देखने को मिलेगा और ब्लड टिंज सिक्रीशन आपको कौन सी कंडीशन में देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, जब पेशेंट सिक्रीशंस को स्पिट आउट करता है तो हमें कई तरीके के स्पूटम देखने को मिल सकते हैं। तो पहला होता है म्यूकॉइड, जो कि वाइट और ऑपलेसेंट कलर का होता है। जनरली आपको अस्थमा के केसेस में और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के केसेस में देखने को मिलता है। विदाउट इन्फेक्शन का ये सिक्रीशन होता है जो कि वाइट और ऑपलेसेंट कलर में आपको देखने को मिलता है। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि म्यूकॉइड सिक्रीशंस आपको किस तरीके से दिखेगा। अब बात करते हैं म्यूकोपुरुलेंट सिक्रीशंस की। दोस्तों, म्यूकोपुरुलेंट सिक्रीशंस आपको जनरली देखने को मिलता है सिस्टिक फाइब्रोसिस के केसेस में, निमोनिया के केसेस में। ये स्लाइटली डिस्कलर्ड सिक्रीशन होते हैं जो कि आपको देखने को मिलता है। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं किस तरीके से हमें म्यूकोपुरुलेंट सिक्रीशन देखने को मिलता है। तीसरा आता है पुरुलेंट सिक्रीशंस, जो कि हमें किसी इन्फेक्शन के द्वारा देखने को मिलता है। ये थिक विस्कस होता है, ये डार्क येलो और ग्रीन कलर का आपको देखने को मिल सकता है। क्लेप्सियला, स्यूडोमोनास के इन्फेक्शन में आपको देखने को ये सिक्रीशंस मिलते हैं। चौथा आता है फ्रॉथी सिक्रीशंस, जो कि आपको पल्मोनरी एडिमा के केसेस में देखने को मिलता है, जो कि पिंक और वाइट कलर का होता है। पांचवा आता है हीमोप्टेसिस, जिसको हम ब्लड टिंज सिक्रीशंस के नाम से भी जानते हैं। ये आपको कार्सिनोमास के केस में, वास्कुलाइटिस के केस में या किसी कार्डियोवास्कुलर डिजीज के केसेस में देखने को मिल सकता है। साथ ही कोई ट्रॉमा हुआ है किसी पेशेंट को, उस केसेस में भी आपको ब्लड टिंज सिक्रीशंस देखने को मिलते हैं। जनरली जो हीमोप्टेसिस सिक्रीशंस होते हैं वो सीवियर कंडीशंस में आपको देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपको बताया स्पूटम एनालिसिस के बारे में। स्पूटम कितने तरीके का होता है, म्यूकॉइड, म्यूकोपुरुलेंट, पुरुलेंट, फ्रॉथी और हीमोप्टेसिस, और ये पांचों स्पूटम आपको किन किन केसेस में देखने को मिल सकते हैं ये आज की वीडियो में हमने आपको बताया है। आपको आज की वीडियो कैसी लगी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फिजियो टॉक।